हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं सुंदर से सुबह के लिए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर को आदर महिमा सम्मान करिए, क्योंकि खुदा आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बेटे और बेटियों को, आपके हर एक प्रकार के बिजनेस से परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंत की, आपने हमें सुंदर से समय के लिए आपने हमें जीवन दिया, आपने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमें हर पल हर समय हर घड़ी संभाला, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ और बड़ी दिलेरी के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना है और दुआ करना है, और जो भी वचन हो परमेश्वर के इस प्रार्थना में परमेश्वर हमें उसमें ब्लेसिंग करे, उसमें हमें आशीष दे। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, और आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस प्रार्थना को अंत तक करिएगा, क्योंकि आज इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में ढेरों बरकत आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक प्रकार की जो समस्या है उसको परमेश्वर दूर करेगा। यदि आज हम उस खुदा पर यकीन रखते हैं जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें श्वासें दी हैं, जिसने हमें संभाला है, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हर एक मसीह भाई बहनों को जिसने परमेश्वर पर यकीन किया और विश्वास किया, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। यदि आज हमारे जीवन में विश्वास नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए आज हमारे हर प्रकार के शत्रु, आज हर प्रकार के जो दुष्ट आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आती हैं, वो सब कुछ दूर होने वाली है, क्योंकि पिता आपको आशीष देने के लिए है, आपको जीवन देने के लिए है, पवित्र आत्मा आपको लिए, आपके लिए परमिशन ने दिया है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपके जीवन की हर एक परेशानियों को परमेश्वर खत्म करने जा रहा है। बहुत मसीह भाई बहन जो अपने घर के लिए, परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको ऊंचा करने जा रहा है, आपके बच्चों के विचार को ऊंचा करने जा रहा है, आपके बिजनेस को, आपके जॉब को, आपके घर के हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स को वो खुदा दूर करने जा रहा है। इसी बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 9 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 13 में, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं। आज हमारे जीवन बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आपके घर के आस पड़ोस में आपके बाद विवाद चलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इन वचनों को यदि आप अपनी जिंदगी में याद रखते हैं तो हर एक इंसान आपकी प्रशंसा करेगा और परमेश्वर की महिमा करेगा, क्योंकि खुदा वो जीवन देने वाला है, वो आशीष देने वाला है आपके जीवन की हर एक प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाला, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर जो तुझे मृत्यु के फाटकों से बचा करके लाता है। परमेश्वर ने जैसे आज सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, हमें हर पल हर समय हर घड़ी संभालने वाला चिंता जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज बहुत मसीह भाई बहन शाम के वक्त सोते हैं और सुबह पर सूर्य नहीं देख पाते हैं, कल का दिन नहीं देख पाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें मृत्यु के फाटकों से उठा करके वो हमें बचाता है, और हमें हर प्रकार के बैरियों से हमें परमेश्वर बचा के रखता है। आज हमारे बैरी कौन है? सबसे ज्यादा हमारे जीवन में जो बैरी है वो शैतान है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसके वचन को ध्यान से सुने और ग्रहण करें, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि जैसे मैं हूं वैसे इनका भी जीवन हो, जैसे मेरा जीवन नरक है और इन लोगों का भी जीवन नरक होना चाहिए। लेकिन आपको सतर्क रहना है, आपको सावधान रहना है, क्योंकि हर पल हर समय यदि आज हम प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं, तो परमेश्वर हमारी जिंदगी हमको ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशु, थैंक यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमें दिया है, क्योंकि परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, और खुदावंद आप मेरे हर एक प्रकार के दुखों में आप मेरे देखभाल करते हैं, मेरी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हमें याद रखना है परमेश्वर के वचन को, हे यहोवा,
परमेश्वर से क्या कहना है कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा, तेरे नाम से मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज हम, राजा दाऊद ने यहाँ पे कहा था कि हे यहोवा, हे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। आज जितने लोग भी प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोगों तक ये आवाज पहुंच रही है, आप बहुत लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और दूसरों तक पहुँचाना हमारे लिए अत्यंत जरूरी होता है। क्योंकि किसी के जीवन में यदि कोई व्यक्ति परेशान है, कोई चिंतित है, कोई बहुत ज्यादा हताशा और निराशा का सामना कर रहा है, तो यदि उसके जीवन में थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और उस परमेश्वर के लिए कुछ नहीं हो सकती है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि यदि तू मेरे सुसमाचार के, परमेश्वर के राज्य की महिमा करते हैं और उसके राज्य का सुसमाचार यदि हम फैलाते हैं इस सृष्टि में, संसार में, तो परमेश्वर हमें बरकत देता, हमें आशीष देता है। आज हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। आज आपके जीवन में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन खुदा आपके जीवन की हर एक प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए, वो खुदा आपके जीवन को छूने के लिए है, वो आपको ब्लेसिंग करने के लिए है। यदि आज परमेश्वर आपको हर प्रकार के जो प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं आपके जीवन में, हमारे जीवन में बहुत सारी घबराहट है, उलझन है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की चिंताएं आ चुकी हैं हमारे समाज में, आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं वायरस को लेकर के, कोरोना वायरस को लेकर के अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि खुदा आपको हर पल हर समय हर घड़ी संभालने वाला है। आज जो भी किसी मसीह भाई बहन किसी भी प्रकार से पीड़ित है, वो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता भाई बहनों के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, क्योंकि आज हमारे देश में क्या है, पूरे संसार में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अनेकों प्रकार की मुसीबत से लोग देख रहे, जूझ रहे हैं अनेकों प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं, तो लेकिन खुदा आपके जीवन में अच्छे कार्य को करने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की, आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसीलिए परमेश्वर से कहिए कि हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरा सारा, तेरा नाम पूरी पृथ्वी पर प्रताप मय है। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप ही का नाम है, आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपने मुझे हर एक प्रकार के शत्रुओं से बचाया है, हर प्रकार के प्रॉब्लम से पिता आपने मुझे बचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसीलिए परमेश्वर से कहिए कि हे यहोवा, तू क्यों मुझसे दूर खड़ा रहता है, संकट के समय मुझे क्यों छिपा रखता है। आज परमेश्वर से कहिए, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको परमेश्वर न्याय देने जा रहा है, आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता भाई बहनों के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे ना रहेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें याद रखने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। क्योंकि यदि आज हम नम्र हैं, आज हमारे अंदर दीनता है, आज हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो उसमें परमेश्वर हमारी मदद करता है। इसीलिए आपको नम्र बनना है और आप बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। समय के लिए पिता आपने हमें चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, खुदावंद हम आपके सामने आज घुटने को टेक करके आपके सामने विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए, आज ये दुखी थे, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, अपने जीवन से, अपनी दिनचर्या से, अपनी लाइफ स्टाइल से, अपने बच्चों के जीवन से आज ये बहुत तंग आ चुके हैं, सुनासरी के नाम से आज इनकी जिंदगी के हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओ के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि आज परमेश्वर आपको, जो आप कर्जे से दबे हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, जो आज परेशान हैं अपनी जिंदगी में, अपने बेटे के जीवन को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, खुदावंद आज आपको विशेष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हाथों में आज वो आपको सौंपने जा रहा है, यीशु नासरी के नाम से।
हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जो आज कर जिससे दबे हुए हैं, आज जो बोझ से दबे हुए हैं प्रभु, आप आपको आजाद करने जा रहा है। आज दुखी थे, चिंतित हैं, परेशान हैं, मुसीबत में ही, तकलीफ में है, आज परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जिंदगी के हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रहा है, स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आज मुसीबत में आप घिरे हुए हैं तो आपको चिंता नहीं करना, आपको हताशा और निराशा को सामना नहीं करना। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, केवल रिसीव करिए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी को बहाल करने जा रहा है। आपकी हर एक जीवन की जो आज घटी और कमी है, हर एक एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा, वो आपके घर में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके पास है। सुनासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करेंगे पिता परमेश्वर। आज इनकी जिंदगी के जीवन को आप छूने वाले हैं, जो कमेंट करके बताते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, आज उनको छू पिता परमेश्वर। अपने जीवन के बारे में वो बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, क्या जीवन में उनकी समस्याएं हैं पिता। आप देखने वाले खुदा यीशु नासरी के नाम से, इसीलिए खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते के पिता आज हमारी प्रार्थना को आप रिसीव पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे सुनासरी के नाम से और हमें जवाब देंगे सुनासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इसमें प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना को रिसीव करेगा क्योंकि आज इनकी जीवन की दिनचर्या चेंज होने वाली है, इनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है। इनके घर में जो बरकत नहीं होती है, जो पैसे की कमी है, जो आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जो जॉब में किसी प्रकार की अड़चने आ रही हैं, तो परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है सुनासरी के नाम से। आज आपके जीवन की जो भी दिनचर्या है, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, अपनी नौकरी को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने घर को लेकर के चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कर्ज से दबे हुए हैं, तो प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुख में ही, मुसीबत में ही, तकलीफ में ही, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि पिता के जीवन को आप छू पिता परमेश्वर। जो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, बड़े ध्यानपूर्वक पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, आज उनके कानों में पिता उनको आशीष दीजिए, उनके कानों तक अगर ये आवाज पहुंच रही पिता, तो उनके दिल को, जहन को पिता परमेश्वर हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाले खुदा आप हैं। उनके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है पिता, आप उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही आप देने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से पिता, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में तमाम प्रकार की बीमारी, शैतानी ताकत, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली सुनासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को छोपेता परमेश्वर, छोपेता परमेश्वर। आज इनके जीवन के दिनचर्या जो भी हुई सुनासरी के नाम से, आज वो जाए सुनासरी के नाम से। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की घबराहट इनके जीवन से आज छोड़ के जाए सुनासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत, अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत, हर प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी से वो जाने वाली सुनासरी के नाम से। खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। आज आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं, यदि आज अपनी ज़िंदगी में आप बीमार भी हैं, तो अपने बीमारों पर हाथ रखें और उस बाहुस स्थान पर हाथ रख करके उस खुदा को, उस परमेश्वर को कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पिता मेरी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन को आप छूने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी के हर एक घटी और हर एक पहलू को आप मजबूत करने वाले, स्ट्रांग करने वाले, उनको जीवन, उनका स्वास्थ्य देने वाले पिता आप, इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। जो आपकी ज़िंदगी को छूने है परमेश्वर, आपकी जिंदगी को आपको ब्लेस करने वाला, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ग्रहण करिए विश्वास के द्वारा, उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश संकट उन्हें छोड़ के चले जाए पवित्र आत्मा से, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। पैरों से लेकर के पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा, वो चतुर शैतान और शैतानी ताकत जो तमाम प्रकार की आज उसकी ज़िंदगी में काम करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी प्रकार की सामर्थ्य हो, किसी भी प्रकार के वो अंधकार का बल हो, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से आज वो जाने वाली है। आज जिस बिजनेस में आप हाथ लगाते हैं उसमें आपका बिजनेस सफल नहीं होता, लेकिन खुदावंद कहता है कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम होने
होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आपको सफलता मिलने जा रही है, बड़ी बड़ी चीज आपको मिलने जा रही है सुनासरी के नाम से, बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलने जा रही है। जिस स्थान में आप जाएंगे वहां पर आपको आशीष मिलेगी, जहां भी आप हैं वहां पर आपको बरकत और आशीष मिलने जा रही है। जिस जॉब में आप करते हैं उस जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। जिस बिजनेस में आपने हाथ लगाया, जिस बिजनेस को आप करते हैं परमेश्वर उसमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। इस सुनासरी के नाम से खुदावन हम प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए सुनासरी के नाम से, छोड़ के सुनासरी के नाम से जाने वाली है आपकी समस्याओं को। आज वो आजाद करने वाला खुदा है। हर प्रकार की बीमारियां जो आपके जीवन में शैतानी ताकत लाता है, जो शैतान आपकी जिंदगी में रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को आपको जीवन में देखने को मिलता है, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से चलाने वाला है सुनासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पिता पवित्र आत्मा के द्वारा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को झुलसा दीजिए सुनासरी के नाम से, झुलसा दीजिए सुनासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, चाहे खेती में है, घर में है, परिवार में है, माता पिता भाई बहन में, कहीं भी किसी स्थान में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी अदर कंट्री में क्यों ना हो, आज उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है, उनके जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आप कर्जे से दबे हैं, बोझ से दबे हुए, दुख से हैं, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की छुटकारा आपको परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या अजाज करने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार के सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन से क्यों ना हो, आज्ञा दीजिए, आज आज्ञा दीजिए आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या वो जाने वाली सुनासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां आपकी जिंदगी से वो जाने वाली सुनासरी के नाम से। पेट में दर्द हो, आपके सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द है, सुनासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज वो आप चंगा करने वाला यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है, परमेश्वर आपकी जिंदगी कहने की घटे और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। वो हर प्रकार की समस्या को आज आजाद करने जा रहा है। वो पिता आपके जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस। सुनासरी के नाम से खुदावन आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को आजाद करने जा रही सुनासरी के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम हो, सिर में दर्द हो, अनेक प्रकार की सूजन हो, अनेक प्रकार की खांसी हो, पीलिया हो, गांठ हो, अनेक प्रकार के कब्ज हो, सीत हो, पिंपल्स, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हो, आपकी जिंदगी से वो आजाद करने वाला खुदा है। आपकी हर प्रकार की मधुमेह की बीमारियां जाने वाली है, हर प्रकार का बुखार, सर्दी, जुकाम, अनेक प्रकार की समस्या, छोटी से लेकर के बड़ी तक अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाने वाली है। आपके बेटे को आशीष देने वाली है, आपके बच्चे को आशीष देने वाला है। आज वो खुदा आपके बरकत को आपको दुगना करने वाला है, आपके बिजनेस को दुगना करने वाला है, आपको 4 गुना, आपको 100 गुना परमेश्वर देने वाला है सुनासरी के नाम से। आज वो आपको जीवन में आशीष देने वाला है सुनासरी के नाम से। आज उसकी प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ। आज वो हर प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाला खुदा है। आज वो हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार की नींद ना आना, आपको हर प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो जो होता है, आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, लकवा है, अनेक प्रकार के चक्कर आता है, स्किन प्रॉब्लम से ज्वार है, अनेक प्रकार की उजली, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की काली खांसी होने चाहिए, वो भी किसी प्रकार की समस्या आज इस संसार में ही आपको घबराहट है, अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश है, आपको बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आप उलझन में, आप घबराए हुए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में, फिजिकली और मेंटली आप बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत आपने दवाई करा ली, इलाज करा लिया, आपने बहुत ज़्यादा कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद आपको आजाद करने जा रहा है। केवल इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आपकी जिंदगी को परमेश्वर छूने जा रहा है सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर, हर प्रकार के मानसिक तनाव, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द है पिता, आज उनके दूर करने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से। आज परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर में आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा रहे हैं, आपको छूने जा रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न खड़े हों, आज आपको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। खुदा कहता है कि तू मत डर, मत डर, चिंता मत करके कि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताके कि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यदि तू मुझ पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तेरी जिंदगी के हर एक रास्ते वो आसान होने जा रहे हैं, हर प्रकार की प्रॉब्लम आसान होने जा रही है, हर प्रकार की चिंताएँ आपके जीवन से आसान होने जा रही है, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएँ,
हर प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में आपकी लाइफ में है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन, हमारे बेटे के जीवन, हमारे बेटियों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है। खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों, जिस तरीके से वो उपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर वचन कहता है तो आज रोता है, तो आज दुखी थे, तो चिंतित थे, परेशान है, हताश है, निराश अपनी जिंदगी में, तो चिंता मत कर, भरोसा रख उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रख, भरोसा रख, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपके हर एक अंगों को ठीक करने जा रहा है परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों को, हर जो आपके काम बंद पड़े हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके कोई काम सफल नहीं होता तो परमेश्वर कहता है सफल होंगे। हर प्रकार की मुसीबतें, हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाला खुदा है, वो हर एक चीज़ को देने वाला खुदा है, वह चीज को देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जितने मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष करने जा रहा है। आग से, आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक आपके हर एक प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतों को चलाने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से आपके बिजनेस को 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आपके जॉब में परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहा है। आपके जॉब नहीं लगती है, परमेश्वर कहता है तू भटक रहा है, तू भटक रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज आप पर ज्योति चमकेगी, आज वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज आपके आशीष देने जा रहे हैं। आपके जीवन की हर एक प्रकार की नकारात्मक नेगेटिव सोच जो है, अनेक प्रकार की नकारात्मक अपने आप को हीन भावना से देखते हैं तो फिर आपको आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा, आपके घर में तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की, अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की क्लेश है आपके जीवन में, आपके संकट में, आप बहुत परेशान हैं अपने जीवन से लेकर के, अपने घर से लेकर के, अपने फैमिली से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, तो खुद आपको आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की तमाम प्रकार की समस्याओं तो आपको अच्छा करने जा रहे हैं। सुनासरी के नाम रिसीव करिए इस प्रार्थना को, कहिए खुदावन से कि सुनासरी के नाम से मैं रिसीव करता हूं इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, और मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मेरे जीवन में, मेरे घर में, परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको आशीष देंगे, उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप पिता परमेश्वर सॉल्व करने वाले खुदा हैं। हर प्रकार के समस्या का समाधान है वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि उस खुदा पर यकीन रखने, भरोसा रखते हैं तो आज हमारी जिंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी को आसान करने जा रहा है परमेश्वर। हर एक मुश्किल जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाड़ू, विषाणु और निर्बलताएं आज वो हमारे जीवन से जाने वाली है, आज हमारे जीवन से समस्या जाने वाली है। सुनासरी के नाम से आज आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। सुनासरी के नाम से छो पिता परमेश्वर, इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबतों को जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छो पिता परमेश्वर, ब्लेस कर सुनासरी के नाम से हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के चतुर शैतान जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला खुदा है, उस शैतान के जीवन में हर घटी और कमी को लगा करके, घात लगा करके बैठा है, आज उसको आजाद कर, हर प्रकार की समस्या उससे आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।